यह बाबा शिव जी का एक धाम जो कि केदारनाथ जी की घाटियों के बीच में ही बसा हुआ है, पर बाहर से जाने वाले यात्री इसके दर्शनों को नहीं जा पाते हैं। यह बाबा केदार के पास बाबा शिव जी का एक धाम है जिसको त्रियोगी नारायण कहा जाता है। त्रियोगी नारायण जी की एक कथा है कि यहाँ पर जो हवन कुंड है जिसपे कि भगवान शिव जी की शादी के फेरे हुए थे, उसको 3 युगों से वो प्रचलित है, वो कभी आज तक उसको बुझी नहीं। और जब हम बाबा केदार के लिए जाते हैं तो रास्ते में बिल्कुल जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं उससे थोड़ा सा आगे, जहाँ पे कि लोकल गाड़ियों की परमिशन है, बाहर की गाड़ियों को जान पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हम त्रियोगी नारायण जा रहे हैं तो शायद जाने देंगे। त्रियोगी नारायण मोटर मार्ग जाता है सीधा वहाँ तक। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बाबा शिव जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ पर शायद आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी जी अपने लड़के की शादी इन्होंने यहाँ पे रखी थी, किंतु कुछ बर्फबारी की वजह से वो नहीं हो पाई। तो ये त्रियोगी नारायण जी के दर्शन हैं। और अगर बाबा केदारनाथ के लिए जाएं तो त्रियोगी नारायण भी ज़रूर जाएं, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ के लोगों की एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो दवाई लेने नहीं जाता, वो बाबा की बबूत लेके आता है और उसको लगाते हैं तो उससे तकरीबन सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो जय हो बाबा त्रियोगी नारायण जी की, जय हो बाबा केदारनाथ जी की, बम बम बोले।